जो कोई फरमाया कि जो कोई नौ जिलहज्जा को चार रकात नमाज नफिल पढ़े किसी भी वक्त और हर रकत में सूरत फातिहा के बाद तीन मरतबा सूरतुल काफिरून कुल या अय्युहल काफिरून पढ़े और 21 मरतबा सूरत इखलास पढ़े, हर हाजत पूरी होगी और कोई हाजत उसकी टलेगी नहीं। इस अमल को फिर सुनिए, नौ जिलहज जो बंदा चार रकात नमाज नफिल पढ़े, जो मकरू अयाम है औकात हैं उसके अलावा, कि हर रकत में सूरत फातिहा के बाद तीन मरतबा सूरत अल काफिरून और 21 मरतबा सूरत इखलास, बस ये समझ लीजिए, थोड़ा सा चार रकात हो गई, सूरत फातिहा एक मरतबा, तीन मरतबा क्या सूरत अल काफिरून और 21 मरतबा सूरत इखलास, 21 मरतबा सूरत इखलास हर रकत में, और फिर अल्लाह से जो हाजत मांगे अल्लाह कबूल कर दे, वो दुख है, वो गम है, वो परेशानियां हैं, वो मसाइल हैं, वो मुश्किलात हैं, वो नाकामियां हैं, वो जिल्लतें हैं, वो किल्लतें हैं, वो इल्लतें हैं, अल्लाह से मांगे। किसी ने ये नफिल पढ़ते हुए देखा हजरत इमाम इब्ने सीरीन रहमतुल्लाह अलैह सुभान, हजरत इस नफिल के बाद आप क्या दुआ मांगेंगे? फरमाया मैं ये दुआ मांगू का अल्लाह मुसलमानों के लिए मेरे दिल को साफ कर दे। तो उन्होंने कहा कि हजरत आपने तो आधी दुआ मांगी, तो फरमाया पूरी कैसे होगी? फरमाया आप उम्मत के लिए फरमाते, उम्मत में मुस्लिम गैर मुस्लिम सब, कि अल्लाह सब के लिए मेरे दिल को पाक और साफ कर दे, और मैं अल्लाह तुझे जजाए खैर दे, तूने मेरे अमल की तकमील कर दी। इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, अपने YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर भी क्लिक करना ना भूलें, ताकि चैनल पर आने वाली हर वीडियो आपको फौरन मिल सके।